Assalamu alaikum dear friends, welcome to my channel. कई बार ऐसा होता है कि रात में बच्चे सो नहीं पा रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा रो भी नहीं रहे होते, तो इनकी इस बात की तीन वजूहात हो सकती हैं. एक तो ये कि बच्चा दिन में अपनी नींद पूरी कर चुका है. दूसरा ये कि वो आपकी तवज्जो चाह रहा है, कि पूरा दिन आपने उसे अटेंशन नहीं दी तो अब वो चाहता है कि माँ मुझे मिल जाए बस. और तीसरी वजह ये हो सकती है कि पेट में उसके गैस बननी शुरू हो रही है, जो कि आगे चल के आपको भी तंग करेगी और उसे तो बहुत ज़्यादा तंग करेगी. तो इसके लिए आप जैसा कि वीडियो में देख रहे होंगे, हम छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, बच्चे के साथ खेल सकते हैं, कि खेलते खेलते हम उसके साथ एक्सरसाइज करवाएं, कि जिसकी वजह से उसके पेट में जो गैस बन रही है वो भी रिलीज़ हो पाए और वो हमारे साथ टाइम भी स्पेंड कर ले. और वो जो पूरा दिन अटेंशन से नहीं मिल सकी, जिस्म में उसके थकान पैदा हो गई है, वो भी इस एक्सरसाइज की वजह से जो है वो दूर हो जाता. आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैं उसकी टांगों को ऊपर को करके, तो जिस तरह से एक्सरसाइज उसे करवा रही हूँ, एक टांग और एक बाजू पकड़ के, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है. तो अगर आपके बच्चे को आदत नहीं है इन एक्सरसाइजेस की, तो आपने ये इतनी मतलब मैं तो ज़रा इसे आदत है, ये यूज़ टू है इस चीज़ का, तो मैं ज़रा सख्त हाथ लगा रही हूँ, तो आपने इतनी सख्ती से नहीं करना. आपने अगर शुरू में पहली दफ़ा कर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता करना है. लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. एक तो ये कि बच्चे की गैस जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होती है. तो बजाय इसके कि बच्चा बहुत ज़्यादा रोना शुरू हो जाए, वो भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला, आपको बताऊंगी कि अगर ज़्यादा रोना शुरू हो जाए तो फिर क्या करना है. ऐसे ही खेलते खेलते आप उसका नोज़ प्रेस कर सकती हैं, उसका माथा, आप पूरा दिन टाइम नहीं मिला उसका माथा प्रेस करें और उसके साथ आप टाइम, अच्छा टाइम स्पेंड करें उसके साथ, खेल खेल में कोशिश करें ऐसे काम. प्रोफेशनली अगर आप बच्चे का नोज़ दबाएं या माथा दबाएं, बहुत ज़्यादा रोने लगता है, तो इस तरह से खेल खेल में करें और रोएगा भी नहीं. और उसकी छाती प्रेस करें थोड़ी थोड़ी सी, उसकी दिन की थकन भी दूर होगी. आहिस्ता आहिस्ता उसके बाजुओं से लेके उसके हाथों को, उसकी टांगों को दबाएं, ताकि वो स्ट्रेस फ्री हो जाए ना, वो एक आसानी से वो सोने. आपने खुद भी नोट किया होगा, अगर हम थके हों तो हल्का फुल्का सा कोई बॉडी मसाज हमें दे दे तो हमें सुकून मिल जाता है, हम सुकून से सो पाते हैं. तो वही कंडीशन बच्चे की भी होती है. अब ये 2:30 बजे का टाइम है रात का, जब हम दोनों खेल रहे हैं और हम दोनों एक दूसरे को क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, जबकि सारे सोए हुए हैं. तो बस इसे पता है कि माँ मेरे पास है और मम्मा ऐशर के साथ खेल रही हैं, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी. तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, मेरा आज का टॉपिक पसंद आया होगा. तो जिन जिन के भी छोटे बच्चे हैं, प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, इट इज़ वेरी यूज़फुल. और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. थैंक यू.